हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल टू सेल इंटरेक्शन की। देखिए, जो सेल्स हैं आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, तो ये जो सेल्स आपस में अटैच्ड होती है, ये किस प्रकार से अटैच होती है? इनके पास टू टाइप्स हैं। एक तो ये अपनी जो सराउंडिंग सेल है इससे अटैचमेंट शो करती है, और दूसरा इनके पास में जो बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, आप ECM कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उससे बाइंडिंग हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि दो तरह के इंट्रैक्शन हो सकते हैं, सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स। सेल टू सेल हो सकता है, यानी कि दो सेल आपस में डिफरेंट प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल से अटैचमेंट शो कर सकती है, और यही सेल जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में प्रोटीन्स हैं उनसे भी बाइंडिंग शो कर सकती है। ये तैरती हुई तो नहीं मिलेगी, अटैच रहती है, स्टेबल रहती है, स्टेबल स्ट्रक्चर होती है टिश्यू की, इसका मतलब ये किसी न किसी से अटैचमेंट शो करती है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के जंक्शंस मिलते हैं सेल्स के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे सेल टू सेल जंक्शन में कि सेल टू सेल जंक्शन में थ्री टाइप के जंक्शन हो सकते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन का एग्जाम्पल है टाइट जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन का एग्जाम्पल है टाइट जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन मतलब एकदम उसको कंप्लीटली टाइटली बाइंड कर देते हैं। यदि हम इंटेस्टाइनल एपिथीलियम की बात करें तो वहां पर जो सेल्स होती है उनमें जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, एपेक्स वाला पार्ट, उसके पास में सेल्स जो टू सेल्स होती है आपस में, वो एकदम से सील कर दी जाती है। यहां पर ये टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, तो टाइटली बाउंड है तो ऑक्लूडिंग जंक्शन। फिर दूसरा टाइप है एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन का मतलब हुआ कि जो सेल्स हैं वो आपस में अटैचमेंट है किसी न किसी एंकर से, और ये एंकर या तो एक्टिन फिलामेंट हो सकता है या IF इंटरमीडिएट फिलामेंट हो सकता है। कैसे? देखिए, जैसे ये एक सेल है और ये एक दूसरी सेल है, इस सेल पर कुछ ऐसे मार्कर लगाए और इस पर एक दूसरा मार्कर लगाए, या कोई प्रोटीन है या आपस में अटैचमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इंट्रासेलुलर साइट में डिफरेंट प्रोटीन से अटैचमेंट शो करते हैं, और ये जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है ये या तो हो सकता है एक्टिन फिलामेंट या हो सकता है IF यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसी के आधार पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है कि एंकरिंग जंक्शन जो है वो या तो एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट साइट से हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैचमेंट साइट से हो सकता है। अब जो एक्टिन फिलामेंट वाला है इसके फिर थ्री टाइप है। पहला है सेप्टेट जंक्शन, जो कि इनवर्टिब्रेट में मिलता है, एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा सेल टू सेल, यदि सेल टू सेल है तो उसका एग्जाम्पल है एडिशन बेल्ट, और सेल टू मैट्रिक्स है तो उसका एग्जाम्पल है फोकल कॉन्टैक्ट। हमने कहा ना इनके अंदर इंटरेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेल टू सेल या सेल टू मैट्रिक्स। सेल टू सेल है और एंकरिंग जंक्शन में जो अटैचमेंट साइट है वो है आपकी एक्टिन फिलामेंट, तो सेल टू सेल के अंदर आएगा एडिशन बेल्ट एग्जाम्पल उसका, और सेल टू मैट्रिक्स में आएगा फोकल कॉन्टैक्ट। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बस इन्हीं एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, तो बहुत इजीली आप इस चार्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो यहां पर भी सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स अटैचमेंट हो सकता है। यदि हम सेल टू सेल बात करेंगे तो आंसर होगा डेस्मोसोम्स, और यदि सेल टू मैट्रिक्स बात करेंगे तो हेमी डेस्मोसोम्स। ये इनके दो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इनको हमें लर्न करना है। अब कम्युनिकेटिंग जंक्शन की बात करते हैं।
वे जंक्शन जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है, और इसका एग्जाम्पल है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा आपको कार्डिक जो मसल्स हैं उसकी जो ऑटोरिदमिसिटी होती है उसके लिए ये गैप जंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। फिर हो गया केमिकल सिनेप्स और प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का याद रखना है अपने को कि ये सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। और केमिकल सिनेप्स हम न्यूरॉन्स के केस में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में जो पाए जाते हैं केमिकल सिनेप्स, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये एंकरिंग जंक्शन, तो ये एंकर करने वाला कौन होता है इसकी बात करते हैं। यदि हम बात करें सेल टू सेल, जब भी सेल टू सेल बात होगी तो जो एंकरिंग प्रोटीन होगा वो होगा कैदरीन, इसको याद रखना। और यदि सेल टू मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो होगा इंटीग्रीन। हमने अभी पढ़ा था कि एंकरिंग जंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, वाया अटैचमेंट साइट, वाया एक्टिंग फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। और उसमें हमने कहा था सेप्टेट जंक्शन हो सकता है, सेल टू सेल एडिशन बेल्ट हो सकता है, सेल टू मैट्रिक्स फोकल कॉन्टैक्ट हो सकता है। ऐसे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट के केस में डेस्मोसोम हो सकता है सेल टू सेल, और सेल टू मैट्रिक्स हो सकता है हेमीडेस्मोसोम। जब भी सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन की बात होगी तो उसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन, ये होगा कैदरीन। और यदि सेल टू मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये होगा इंटीग्रीन। तो यहां से भी अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कैदरीन की बात करते हैं। कैदरीन जो प्रोटीन है उसके नॉर्मली यूजुअली टू टाइप्स बताए जाते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट और कैल्शियम इंडिपेंडेंट। मैंने आपको ये जो पूरा लेक्चर है बहुत शॉर्टकट बताया, इसका डिटेल भी हो सकता है लेकिन ये शॉर्ट में है और क्वेश्चंस जो हैं वो उन पर ही आते हैं, तो बहुत इसको अच्छे से देखें। कैल्शियम डिपेंडेंट जो है उसके एग्जाम्पल हैं ये ई कैदरीन, पी कैदरीन, एन कैदरीन। ई फॉर एंडोथेलियल सेल्स कर सकते हैं, पी फॉर प्लेसेंटा, एन फॉर न्यूरल सेल्स, एंड लेक्टिन एंड सेलेक्टिन सुपर फैमिली होती है। ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं और सेल्स को स्पेसिफिसिटी प्रदान करते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी में भी इनका बड़ा रोल होता है। फिर कैल्शियम इंडिपेंडेंट के अंदर आती है आईजी सुपर फैमिली, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली इसमें के अंदर आएगा, एनकेम और आईकेम। एनकेम और आईकेम का मतलब सेल एडिशन मॉलिक्यूल, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड इंटरसेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, इसके एग्जाम्पल हो गए। इंटीग्रिन की बात करेंगे, इंटीग्रिन हमेशा सेल टू मैट्रिक्स होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन, एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इसकी टू सब यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पर बाइंड करती है डाइवेलेंट कैटाइन से, स्पेशली आप बात कर सकते हैं कैल्शियम से बाइंड करती है। और जो बीटा सब यूनिट होती है वो इंट्रा सेलुलर साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बाइंड करती है। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि इसकी दो सब यूनिट है, तो ये वाली हो गई आपकी अल्फा सब यूनिट जो कि कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटायन से बाइंड करती है, और ये वाली हो गई जो इंट्रासेलुलरी साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बाइंड करती है। डिफरेंट तरह के यहाँ प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और आईएफ के अलावा भी यहाँ खूब एसोसिएट प्रोटीन्स भी होते हैं खूब सारे, जिनसे ये यहाँ पर इनका कॉम्प्लेक्स बनता है और ये इसको स्टेबल बनाए रखते हैं। गैप जंक्शन की बात करते हैं। गैप जंक्शन है, इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है कनेक्सिन की बनी हुई, कनेक्सिन। और सिक्स, ये एक फोर पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और सिक्स कनेक्सिन से एक कनेक्सॉन बनता है, यानी कि ऐसे सिक्स कनेक्सिन की यूनिट एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, इसे हम कनेक्सॉन कहते हैं, और ये गैप जंक्शन का निर्माण करती है और इस पोर के थ्रू साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी देती है, दो सेल के बीच में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता रहता है। एग्जाम्पल हमने कर लिया था जो कार्डिक मसल्स में पाया जाता है। ये देखिए, ये जो जंक्शन है ये जरूरी नहीं कि एक सेल के अंदर एक ही हो, किसी दो सेल्स के बीच में, जैसे ये सेल वन और सेल टू है तो इनमें सभी तरह के जंक्शन पाए जा सकते हैं। इनमें टाइट जंक्शन भी हो सकते हैं, इनमें गैप जंक्शन भी हो सकता है, इनके अंदर कैदरीन और इंटीग्रीन
दोनों का कनेक्शन मिल सकता है हमारे को, है ना। तो सेल की बीच में बात करेंगे तो कैदरीन आ जाएगा, सेल टू मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इंटीग्रिन आ जाएगा। देखिए जैसे ये एंकरिंग जंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, तो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये तो हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन, और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये हो गई बाइंडिंग साइट जो अंदर है, या तो ये एक्टिन हो सकता है या ये आईएफ हो सकता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो सकता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन के आधार पर हमने इनके एग्जाम्पल किए थे, और यहां आप देख सकते हैं कि ये सेल टू मैट्रिक्स को शो कर रहा है, सेल टू मैट्रिक्स, ये ईसीएम हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन से ये लिंकर प्रोटीन जुड़ा हुआ है। ये ऑक्लूडिंग जंक्शन या फिर टाइट जंक्शन का एग्जाम्पल है, टाइट जंक्शन होते हैं जो कि इम्परमिएबल होते हैं, परमिटिविटी को स्टॉप कर देते हैं, कोई भी चीज इनमें इनको अक्रॉस पास नहीं कर सकती। कुछ चैनल फॉर्मिंग जंक्शन बन सकते हैं, ये पूरी लिस्ट हो गई एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट साइट के लिए सेल टू सेल में एडिशन बेल्ट, और सेल टू मैट्रिक्स के लिए एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक एडिशन मॉलिक्यूल। ये जो मैंने आपको पहले बताया है वही है, यहाँ कुछ नया सिर्फ ये मिलेगा कि सिग्नल रिले जंक्शन होते हैं, ऐसे जंक्शन भी होते हैं जो सिग्नल का रिले करते हैं, जैसे केमिकल सिनेप्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं, और इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्स जो कि इम्यून सिस्टम की सेल्स में मिलेंगे, और कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट कराते हैं। ये पूरी डिटेल जो है ये वाली, ये सेल सिग्नलिंग के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये देखिए एक ही सेल के अंदर यहाँ ऑक्लूडिक जंक्शन प्रेजेंट है, सेल टू सेल आईएफ और एक्टिन फिलामेंट बाइंडिंग साइट से दोनों तरह के प्रेजेंट है, और सेल टू मैट्रिक्स वाला घेरा, इस तरह से ये जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है, बाइंडिंग करती है, और हमारी जो टिश्यू की शेप है वो स्टेबल रहती है। ये कैदरीन्स के टाइप्स हैं, ई कैदरीन, एन कैदरीन, पी कैदरीन एंड वी ई, मतलब एंडोथेलियल सेल्स में जो पाए जाते हैं। ये टेबल है आप इसको देखिएगा।